हम 30 साल से ये व्यापार कर रहा हूँ, फेरी का काम, जो गवई में जात रहे, एक लीटर माँ 40 और 45 और 50 किलोमीटर के बीच एरिया में हम घूम सकत रहे। वो लंबी समस्या ये हो गई कि तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। मान लीजिए 1500-2000 के बीच में अपने को ऐसा होता था कि मान लीजिए 60 और 70 रुपया 80 रुपये के बीच में रहा तो निकाल लेते थे कि तेल निकल गया, अपने को भी 200-300 रुपये बच गई। अभी कितने रुपये बचते हैं? अभी इस समय तो 200 रुपये बचाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा। 365 दिन का साल होता है साहब, तो अपना मान लीजिए कि 2 महीना काट दीजिए, बाकी 10 महीना तो बराबर हम आप डाउन कर रहे हैं, तब तो अपनी दाल रोटी चला रहे हैं जी। जब 10 महीना हम बराबर आप डाउन करते हैं तब तो अपनी दाल रोटी चला पाते हैं, और उसमें भी समस्या आ गई, लंबी समस्या आ गई अपने पास जी। जब हम साल में 6 महीना बैठ गए तब हम कैसे पूर्ति करें जी। आज हम 61 साल के हैं, हम नगर पालिका जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है। आज तक 61 साल के बीच में मैंने राशन कार्ड नहीं बनवाया, राशन कार्ड तक मेरा नहीं बना है, और जब हम अधिकारियों के लगे जाते हैं, पार्षद के लगे जाते हैं, तो पार्षद बोलता है कि देख लेंगे, देखेंगे बाबू से देखेंगे, और अधिकारी लोग ये कहते हैं कि हमें तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है, अब हम कैसे अपनी दाल रोटी चला सकें और हम किसके पास जाएं? ना तो कलेक्टर साहब के पास जाते सुनते हैं, एक बार दो बार आवेदन दिए, हम ये चादर बेचते हैं आपके जी। चटाई बेचते हैं जी। और हो गया इसी के बीच में मान लीजिए कि तकिया का कवर हो गया, दरी हो गई जी। बस यही आइटम बेचते हैं साहब। ये आप कहाँ से मंगाते हैं? हम आपके सीधी से लेते हैं। अब तो बोलते हैं कि पहले तुम 150 में दे जाते थे, 160 में दे जाते थे, अब ये 200 रुपये कैसे बना लिए? हाँ, तो उनको समझाते हैं कि आप 200 रुपये देके एक साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, निरमा खरीदते हैं, उनको बताते हैं, तब तो किसी तरह से वो मतलब के 200 रुपये में आते हैं। तो जब हम 180 का खरीदे उसमें तेल भी चढ़ गए हम, और अपनी मजदूरी कहाँ चली गई, गाड़ी की कहाँ चली गई, फिर भी बड़ी पतन है और बड़ी समस्या, लंबी समस्या है।